नमस्कार दोस्तों, गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज जो सूजस पत्रिका अगस्त माह की है उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। इस पत्रिका का एनालिसिस करने के पीछे मकसद ये है कि एग्जाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें, और ये हर महीने जो राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ हैं और उसमें जो कला संस्कृति है उसका भी पार्ट इसमें डाला जाता है, और कुछ ऐसा कला संस्कृति का पार्ट डाला जाता है या फिर कुछ जो पुरस्कार वगैरह हैं, जो योजनाएं वगैरह हैं जो हमारे करंट में भी हमारे जो सामने नहीं आती है कई बार, और जो कला संस्कृति का पार्ट है वो हमने कभी न सुना है, अनदेखा सा हमें लगता है वहाँ एग्जाम के अंतर्गत, और वो सीधा का सीधा इस जो बुक है मासिक पत्रिका है इसमें से डाल दिया जाता है, और वहाँ पर अपना वो क्वेश्चन है या तो छोड़ना पड़ता है या गलत होता जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगस्त माह की पत्रिका है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो जो सबसे पहले है उसके बारे में है, देखिए कन्यादय में गूंजती इतिहास कहते हैं। ये कन्यादय कहाँ पर है, इसको कन्यादय क्यों कहते हैं, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं मैं आज जो कला संस्कृति का पार्ट है उसके अंतर्गत डिस्कशन करने वाला हूँ। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको इसके बारे में, स्थान के बारे में पता होगा, तो आज मैं एक एक करके आपके बारे इसके बारे में जो तमाम प्रकार की इसकी इससे हिस्ट्री से संबंधित चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इस क्लियर करने वाला हूँ, और आगे आने वाले दिनों में एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों ये कन्यादय है, ये स्थल है राजस्थान का 12 जिला है, और 12 जिले के जो उत्तर पूर्व में किशनगंज तहसील है, और वहाँ पर एक नदी बहती है उसका नाम है विलासी नदी, वहाँ पर ये कन्यादय एक स्थल स्थित है और जिसके बारे में हम सबको बिल्कुल नए के बराबर पता है। देखिए नदी का जो ठहरा सा दिखने वाला पानी है अतीत की गाथाएं सुनने के लिए अपने साथ ही हमें बहा ले जाता है। विलासी नदी के किनारे घने जंगल में लगभग 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रस्तर शिल्पियों के रूप में असंख्य पुरावशेष यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। 9वीं से 13वीं सदी तक की कला संस्कृति है, इसके बारे में देखिए 9वीं से जो 13वीं सदी है वहाँ की कला संस्कृति और इतिहास के जो अद्भुत तथ्य हैं यहाँ पर समेटे हुए हैं। विलासी नदी के किनारे पर है देखिए दोस्तों विलासगढ़, ये एक वहाँ पर किला है, वहाँ ये प्राचीन किला है, इससे लेकर कुछ किलोमीटर की दूरी पर है स्थित है चार खंबा मंदिर, ये भी आप जरूर ध्यान रखें, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पड़ सकता है। यहाँ से इन दोनों के बीच में जो ढांचे का ये क्षेत्र है ये कृष्ण विलास के नाम से जाना जाता था पहले, और ये आज भी अतीत में वहाँ पर ये तमाम प्रकार के जो खंडहर हैं वहाँ पर मिल जाते हैं। बस एक जो कल्पना करनी है कि इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस जो जगह है इसका विकास करना वहाँ पर बाकी है। और अब जान लेते हैं चतुराधार मंदिर, इसको चार खंबा मंदिर भी कहते हैं, चतुराधार भी मंदिर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये विष्णु को समर्पित है, और ये मंदिर है यहाँ पर आप देख रहे हो ये बिल्कुल अपूर्ण मंदिर है, यहाँ पर चार सैतीरें रखी है और चार स्तंभ हैं ओनली, और इसके आगे इसका निर्माण बिल्कुल नहीं हुआ है, और इसी प्रकार यहाँ पर इस जगह पर अनेक प्रकार के जैन मंदिर भी यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं। अभी देखिए दोस्तों इसका इतिहास जानते हैं हम कि इसकी हिस्ट्री क्या है, और उसको हमने मैंने इसका जो इस टॉपिक को लेने का मकसद क्या है। देखिए कृष्ण विलास मैंने आपको जगह बता दी, कृष्ण विलास जो विलासगढ़ किला था उसे लेकर चतुराधार जो मंदिर था उसके बीच का क्षेत्र था वो कृष्ण विलास था, और वहां पर विलासी नदी बहती थी, और यहाँ पर एक जगह थी उसका नाम था कन्यादय। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा कन्यादय क्या थी और किस लिए प्रसिद्ध थी। देखिए कृष्ण विलास का शासक था भीमसा, ये भीमसा था और इसकी एक पुत्री नाम था सुकन्या, तो ये सुकन्या पुत्री थी, ये बहुत सुंदर और नृत्य संगीत में दक्ष थी, और जो पूरा मालवा प्रदेश था उसमें इसके दूर दूर तक चर्चे थे। ये तो एक तरफ रख लेना इस पार्ट को। अब देखिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी है और उसका सेनापति था उस टाइम उल्लुक खां, अब ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। राजस्थान में देखिए विभिन्न किलों पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था आपको पता है, और उसके जो सिपलार थे उन्होंने भी जो राजस्थान की सुंदर स्त्रियां थी उन पर अपनी कुदृष्टि डाली थी, ये आप सबको पता है। कृष्ण विलास से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है जो जिस जिले का नाम है रणथंभौर जिला, और सॉरी स्वाईमाधोपुर जिला है, और वहां पर एक किला है उसका नाम है रणथंभौर का किला। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में आपको पता है वहां पर उस किले के ऊपर अटैक किया था, और उस किले को जीतने के बाद में वो किला किसको सौंप दिया था, उल्लुक खां को, और उसमें हमीरदेव उसके विरुद्ध था, लड़ा था अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध, और हमीरदेव का जो सेनानायक थे वो रणमल और रतिपाल उसकी वजह उसकी तरफ मिल गए थे एक ही की तरफ, और इसी वजह से हमीरदेव वहाँ पर जो प्रतापी शासक था वो हार गया था उस,
और उसकी जो हमीरदेव की पत्नी थी रंगा देवी, उसने जौहर कर लिया था। ये इतिहास की चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो मेरा एक वीडियो आ चुका है रणथंभौर का चौहान वंश, वहाँ पर आप ये जाके पढ़ सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया। अब साहब 300 किलोमीटर दूरी पर रणथंभौर का किला था, और उल्लुक खान जी को जब पता चला कि उस जो सुकन्या है उसके बारे में किससे सुने कि यहाँ पर एक सुकन्या नाम की कन्या है और वो बहुत ही सुंदर है, तो उल्लुक खान जी ने तुरंत प्रभाव से प्रस्ताव भेजा भीमसा जी, शादी का प्रस्ताव भेजा भीमसा को। और भीमसा जी ने क्या किया, ये प्रस्ताव है अस्वीकार कर दिया। और अब अस्वीकार कर देगा तो उल्लुक खान का गुस्सा आएगा, और उल्लुक खान ने भीमसा जो उसके ऊपर अटैक किया वहाँ पर, और अटैक करके वहाँ के जो जितने भी जो धर्मस्थल थे और जितने भी जो वहाँ की कला संस्कृति थी उसको सबको तहस नहस कर दिया। और जो भीमसा थे वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, उसके साथ कई योद्धा और भी मारे गए थे। अब देखिए दोस्तों, बची कौन, राजकुमारी सुकन्या। अब राजकुमारी सुकन्या ने क्या किया, अपनी जो इज्जत बचाने के लिए वहाँ पर एक नदी बहती थी विलासी नदी, और विलासी नदी के किनारे पर एक ऊंची चट्टान थी, और ऊंची चट्टान से जो छलांग लगा दी, और छलांग लगाकर जल समाधि वहां पर ले ली। अब जल समाधि जो ली वो स्थान क्या कहलाता है, कन्यादय के नाम से जाना जाता है। बस ये मेरा मकसद था इसके बारे में, जिस जगह के बारे में बताने का। आगे आने वाले दिनों में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए या फिर कोई ऑप्शन में भी इस प्रकार का चीज दी हुई हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। और इस स्थान को आज भी पर्यटन जो है उसके नक्शे पर महत्व देने की भर की जरूरत है। ये बहुत जगह है, बहुत ही रमणीय स्थल है, आप भी जरूर जाए यहाँ पर घूमने के लिए। और देखिए दोस्तों, कन्यादय है, दय का मतलब ये होता है कि जो नदी का उस गहरा भाग होता है जिसकी था पाना कठिन होता है, ये इसके बारे में था। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए एक और आर्टिकल छपा था कला संस्कृति के बारे में, देखिए रामगढ़ की बहुमूल्य चित्र संपदा। अब हम आज बात करेंगे रामगढ़ सेकावटी, यहाँ पर ये सीकर जिले के अंतर्गत है, ये आपको सबको पता है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि जो सुजिस है उसने भी ये टॉपिक है उठाया है। देखिए दोस्तों, भारत के जो भी अधिकतर शहर हैं वो किसी न किसी राजा के द्वारा बसाए गए हैं या फिर कोई राजा के वंशज हैं उन्होंने बसाए हैं, लेकिन जो रामगढ़ सेकावटी है, इसको रामगढ़ सेकावटी भी बोलते हैं, एक ऐसा इकलौता शहर है जिसने क्या किसने बसाया है, यहाँ के सेठ थे उन्होंने बसाया है, और इसको रामगढ़ सेठान भी कहते हैं, उन सेठों की बसाने की वजह से रामगढ़ सेठान इसको कहा जाता है। रामगढ़ सेकावटी की जो स्थापना है वो 1791 ईस्वी में हुई थी, और इसकी कहानी है स्थापना के पीछे, आप सुनिए। देखिए ये जो जितने भी सेठ थे और चूरू के अंतर्गत थे ये, और चूरू उस टाइम बीकानेर रियासत का एक पार्ट था, और वहाँ पर क्या होते थे, जो व्यापारी थे ये जितने भी सेठ थे वो रुई का व्यापार करते थे, रुई आप जानते हो ऊन, तो ऊन का व्यापार वहाँ पर काफ़ी करते थे, और ऊन पर जैसे ही वहाँ की जो रियासत थी उन्होंने बड़े बड़े वहाँ पर कर लगा दिए थे, और कर के विरोध में जैसे ही वो सेठ उतरे तो सरकार ने उनकी बातें हैं नहीं मानी, तो क्या हुआ, वहाँ के जो पोदार थे वो कहाँ पर आ गए, सीकर में आकर बस गए, और वहाँ पर एक नासा की ढाणी नाम की जगह थी, और नासा की ढाणी नाम की जगह वहाँ पर उन्होंने क्या बसाया, रामगढ़ गांव वहाँ पर बसाया, और जो आगे जाकर रामगढ़ सेकावटी नाम के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। देखिए यहाँ पर प्रसिद्धि का कारण क्या है, यहाँ पर जो हवेलियाँ हैं, छतरियाँ हैं, मंदिर है, कुएँ हैं, धर्मशाला है, ये अपनी जो स्थापत्य और भित्ति चित्रों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, इसलिए रामगढ़ सेकावटी जाना जाता है। और उस टाइम ये रामगढ़ सेकावटी देश भर में इतना धनी था कि लोग उसको धनी शहरों में उसकी देश के अंतर्गत गिनती होती थी, इसलिए मेरा ये मकसद है इसको आपके समक्ष लाने का। इसमें जो प्रमुख तथ्य हैं वो आप देख लीजिए, यहाँ पर जो प्रमुख हवेली है, एक है सांवलका हवेली, पोदार हवेली, रुइया हवेली, ये रुइया है, ये रुइया जात थी इनकी जो रुई का कारोबार करते थे, और इनको बाद में रुई का कारोबार करने की वजह से ये जैसे ही रामगढ़ सेकावटी में ये जो फतेहपुर से आकर बसे तो इनका नाम हो गया रुइया, और इन्होंने जो हवेली बनाई उसका नाम है रुइया हवेली। तो ये तीन तो हवेलियां प्रसिद्ध है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगर पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा, राम गोपाल पोदार छत्री अपने सबसे ज्यादा भित्ति चित्रों के लिए वहां पर प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर कृष्ण लीला, रागमाला, विष्णु अवतार यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो बहुत ही जो भित्ति चित्रण का यहाँ पर विहंगम दृश्य आपने को देखने को मिलता है। यहाँ पर आप जो इसमें जो फोटो है उसमें भी आप देख सकते हो, ये तमाम प्रकार की चीजें हैं वहां से ली गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है वो है चुनाव में, देखिए पारदर्शिता बरतने के लिए VVPAT का प्रयोग किया जाएगा। ये वीडियो इसको मेरे का लेने का मकसद ये था कि इसके बारे में आप जानें, और आगे आने वाले दिनों में इस प्रकार का क्वेश्चन 100% बना जाएगा, और वो किस एग्जाम में बनेगा वो तो आप जानते हो।
चलिए दोस्तों, वीवीपीएटी क्या होती है इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अब की बार जितने ये लोकसभा में चुनाव हुए थे, विधानसभा के जो पंजाब में इधर चुनाव हुए थे, उसमें क्या हुआ था, सरकार के पीछे उसके जो गड़बड़ी, वोटिंग की गड़बड़ी के पीछे उनके पीछे लगाया गया था, लांछन लगाया गया था, उसको रोकथाम के लिए चुनाव आयोग ने क्या किया, वीवीपीएटी का चलन ये पहले से ही था लेकिन अब अनिवार्य रूप से कर दिया है। इसके बारे में आज जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, वीवीपीएटी की एक तो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये इसके बारे में आप जाने। उसके बाद में देखिए, भारत निर्वाचन आयोग है, वहां पर चुनाव में अपनी पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से राजनीतिक दलों के परामर्श से वीवीपीएटी का शुरू करने का विचार इनके मकसद में दिमाग में आया। इसमें क्या होता है, एक जो वीवीपीएटी, या आप स्क्रीन पर ये मशीन देख रहे हो, ये मशीन है, इसमें क्या होगा, 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखाई देगी, उसमें जो चुनाव जिसने चिन्ह होगा और उसका नाम होगा, तो वो 7 सेकंड के लिए अपनी पर्ची है वो देख सकता है कि मैंने किसको वोट डाला है। ये तो जो साधारण भाषा में, जो लैंग्वेज में था, इसका मीनिंग था। देखिए, इसमें एक पर्ची तैयार होती है और जो कंट्रोल यूनिट है वो मतदान को रिकॉर्ड करने के साथ साथ अभ्यर्थी का नाम और चुनाव चिन्ह भी इसमें आ जाता है, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में ईवीएम पर दिखाए जा रहे परिणाम की जांच करने के लिए पेपर पर्ची की गणना की जा सके। ये इसका मूलभूत मकसद है। और इसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हो पारदर्शी, ये कांच की खिड़की होगी और इसमें 7 सेकंड के लिए वो चीज़ें हमें दिखाई पड़ेगी, तो ये इससे कनेक्टेड रहेगी सारी चीज़ें, बैलेट यूनिट से सारी चीज़ें, तो ये भी एक बहुत ही जो धांधली है उसको रोकने का बहुत अच्छा प्रयोग है चुनाव आयोग के द्वारा, इसको सराहनीय कदम है। सबसे पहले 2013 में, ये चीज़ जरूर याद रखें, 2013 में नागालैंड जो उपचुनाव हुए थे नागालैंड में, वहां पर वीवीपीएटी का सबसे पहले प्रचलन वहां पर किया गया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है। ये मैंने आपको बता दिया, इसकी जो कार्य प्रणाली है वो आपको आपके सामने है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, फेस्टिवल एजुकेशन के बारे में करंट में भी बता चुका हूँ और भी जितने भी वीडियो आए हैं उनमें थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी सेजस ने ये टॉपिक उठाया है तो अपना पढ़ना अपना मकसद बनता है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कुछ और चीज़ें। देखिए दोस्तों, फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन है, इसका जो आयोजन है 5 और 6 अगस्त को जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, और आज तक हमारे देश में, हमारा जो राज्य है वहाँ पर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, लेकिन राजस्थान देश का पहला राज्य है। ये चीज़ आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का बनेगा, या फिर कोई आरएस लेवल के एग्जाम में जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें शॉर्ट नोट इस प्रकार का बन सकता है, तो ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान है वो देश का पहला राज्य हो गया है जिसने क्या किया, शिक्षा से जुड़े ग्लोबल उत्सव को सुनियोजित तरीके से इन्होंने मनाया है। इसका जो उद्देश्य है, शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाना और पूरी दुनिया के शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे जितने भी जो नवाचार हैं वो यहाँ के शिक्षक और बच्चे हैं उससे रूबरू हो पाए, ये इसका मकसद है, और साथ ही साथ जो बालिका शिक्षा है उसको भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा, तो ये इसका मकसद है। राजस्थान में शैक्षिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसमें कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के जो राजकीय विद्यालय हैं उनको वित्तीय संबल प्रदान करने तथा आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान में ज्ञान संकल्प पोर्टल और मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की पहल की गई। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इन दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या था, ज्ञान संकल्प पोर्टल और मुख्यमंत्री विद्यादान कोष है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो राजकीय विद्यालय हैं उनका, आप जानते ही उनका जो चल रहा है, जो राजकीय विद्यालय हैं उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है और जो उनकी प्राथमिकता है उनके अनुसार CSR कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, भामाशाह संस्थान एवं क्राउड फंडिंग के माध्यम से आवश्यक धनराशि का संग्रहण व प्रबंधन करना और विद्यालयों के विकास हेतु विभिन्न प्रोजेक्ट हेतु दानदाताओं का सहयोग प्रदान करना, प्राप्त करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और अब तक 5 करोड़ रुपए इसके माध्यम से इकट्ठे किए जा चुके हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो फेस्टिवल एजुकेशन मनाने का मकसद यही था, शिक्षा में नवाचार लाना, और जिससे क्या होगा, जो आने वाली जो पीढ़ी है, फ्यूचर है हमारा बच्चों, वो एक उसका बेस्ट लेवल तैयार हो पाएगा और आगे आने वाले दिनों में विश्व पटल पर हमारे जो राज्य के बच्चे हैं वो आगे आएंगे, इसका मकसद यही था और ये पूरे देश में हमने ही पहले मनाया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के बारे में आप थोड़ा थोड़ा सब जानते हो, लेकिन सुजस ने इस प्रकार का टॉपिक डाला है तो इसके बारे में आपको एनालिसिस करके बताया है मैंने। देखिए, 17 अगस्त को जो केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के पहले एक दिन बाद में, ये 17 अगस्त को राज्य सरकार और HPCL, देखिए दोनों के बीच में रिफाइनरी जो बाड़मेर में लगेगी, इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा आने वाले दिनों में एग्जाम में,
तो राज्य सरकार और HPCL के मध्य ये रिफाइनरी लगाई जाएगी, कहाँ पर? बाड़मेर में। और ये संयुक्त उपक्रम समझौता है, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 17 अगस्त 2017 को। अब इसमें देखिए हिस्सेदारी आपको याद रखनी है 100%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 74% हिस्सेदारी है HPCL की और राज्य सरकार की इसमें हिस्सेदारी होगी 26%। ये चीज़ याद रखें। और इस प्रोजेक्ट में लागत है वो 43,129 करोड़ रुपए की आएगी। और जो बाड़मेर रिफाइनरी है BS6 मानक के पेट्रो उत्पाद बनाने वाली देश की पहली रिफाइनरी परियोजना होगी। तो इस प्रकार की चीज़ आप भी याद रखें। और जिससे क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण है उसमें मदद मिलेगी, पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें की जाएगी सुनियोजित तरीके से। और अपना जो पश्चिमी राजस्थान है, हम देखते हैं राजस्थान है और इसका जो ये हिस्सा है पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पर देखिए एक तो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी और जो यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान के युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा और कई तरह के वहाँ पर सहायक उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसकी वजह से हमारे लिए बहुत अच्छी और फायदेमंद ये रिफाइनरी परियोजना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ पुरस्कार हैं सूजिस के अंतर्गत दिए गए थे, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। पुरस्कार है, पहला है कौशल विकास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को मिला है गोल्डन अवार्ड। तो ये राजस्थान को लगातार तीसरी बार एसोचैम जो गोल्डन अवार्ड है वो मिला है। तो ये चीज़ आप याद रखें, राजस्थान को कौशल विकास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा देखिए दोस्तों, राजस्थान है वो पर्यटन को बेस्ट फेयर एंड फेस्टिवल श्रेणी में अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान को 2 राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं। एक है, पहला है वो है हेरिटेज डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर और एक है बेस्ट डेस्टिनेशन प्रमोशन। ये 2 अवार्ड भी जो नेशनल अवार्ड हैं वो भी मिले हैं। तो आपको ये जो 5वां इंटरनेशनल टूरिज्म जो कॉन्क्लेव हुआ था और ट्रेवल अवार्ड हुआ था, उस समारोह में राजस्थान को बेस्ट फेयर एंड फेस्टिवल श्रेणी में अवार्ड मिला है। ये हेयर नहीं है, आप फेयर इसमें आपने नोट्स में लिखें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रदेश के लिए हर नागरिक के लिए ईमेल होगा ई वोल्ट की जो फ्री सुविधा का शुभारंभ किया गया था 18 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा। इसमें दो मुख्य जो महिला लाभार्थी थी, रेहाना बानो और राजेश गोड़ को राजसाइन ई वोल्ट ईमेल और SSO सुविधायुक्त भामाशाह डीकी किट वहाँ पर उनको दिए गए थे। और वसुंधरा राजे ने ये भी कहा था कि आमजन अपने जो दस्तावेज है वो डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकेंगे और क्योंकि ये सरकार के द्वारा निःशुल्क है। ये मैं इसके जो करंट आया था मेरा उसमें भी मैं इसके बारे में बता चुका, लेकिन हमें एक बार और रिविजन हो जाएगा इसके लिए मैंने ले लिया है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ पर बनेगा, क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान है वो देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ पर हर नागरिक के लिए सरकार की ओर से ईमेल की निःशुल्क सुविधा शुरू की गई है और कोई भी नागरिक है राजस्थान का वो mail.rajasthan.in पर जाकर अपना निःशुल्क ईमेल बना सकता है। तो ये मकसद था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक है स्वदेश दर्शन योजना। अब इस टॉपिक को उठाने का मेरा मकसद ये था कि आपको ये तमाम प्रकार के जितने भी हमारे कला केंद्र दिख रहे हैं, सांस्कृतिक विरासत है ये अपनी राजस्थान की और इसी के लिए राजस्थान अपना जाना जाता है। तो इसके बारे में ये स्वदेश दर्शन योजना है, इसके तहत अपने को कुछ फंड मिला है, कुछ करोड़ का, 99.60 करोड़ रुपए का अपने को फंड मिला है। और इतना ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन फंड किन किन जिलों को मिला है, किन किन सांस्कृतिक विरासत को मिला है, वो आप एक बार रिविजन मार लोगे तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है नारगढ़ किले में से कुछ क्वेश्चन बन जाए, बाला किले में से कुछ क्वेश्चन बन जाए, ना गागरौन का किला में से बन जाए। तो इस प्रकार जो करंट का टॉपिक है अपने साथ साथ जुड़ा रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं स्वदेश दर्शन योजना है क्या। पहले देखिए, जनवरी 2015 में इसका शुभारंभ किया गया था केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने, केंद्र सरकार के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान को है वो जो ऐतिहासिक किले हैं, विभिन्न पुरातत्व धरोहर है, पर्यटन महत्व के स्थल हैं और विकास इन और इनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके विस्तार कार्यों के लिए 99.60 करोड़ रुपए की मंजूरी इनको दी है। और जो स्वदेश दर्शन योजना है, इसका जो उद्देश्य है भारत को एक वैश्विक ब्रांड बनाना, पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा देना और पर्यटन के द्वारा रोजगार पैदा करना। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर ये जानेंगे, नाहरगढ़ का किला है कहाँ पर है, जयपुर में। बाला किला है, ये सारे किले मैं पढ़ा चुका हूँ। बाला किला है ये कहाँ पर है, अलवर में। रणथंभौर दुर्ग है वो कहाँ पर है,
अभी हमने बात की थी 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था हमीरदेव। तो इस प्रकार याद करोगे कनेक्शन करके तो हमेशा जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। तो रणथंभौर दुर्ग और ये खंडार का किले कहाँ पर है, सवाईमाधोपुर में। ये दोनों खंडार का किला आप याद रखिए, ये मैंने नहीं पढ़ाया था। गागरौन का किला है ये कहाँ पर है, झालावाड़ में। उसके बाद में देखिए दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। जैसलमेर का किला जैसलमेर में है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप दोबारा पढ़ लें। बटनेर का दुर्ग आपको पता है हनुमानगढ़ में, और कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। उसके बाद में ये याद रखिए प्रताप गौरव केंद्र कहाँ पर है, उदयपुर में। उसके बाद में बाग ए नीलोफर और पुरानी छावनी कहाँ पर है, धौलपुर में। इनके ऊपर फंड खर्च किया जाएगा, लेकिन अपने को फंड खर्च करने से कोई ज्यादा इतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, अपने को पता होना चाहिए कहाँ पर है। मीराबाई स्मारक कहाँ पर है, मेड़ता नागौर में, और गोगामेड़ी कहाँ पर है, हनुमानगढ़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। पहली योजना है वो करंट में भी मैं आपको बता चुका हूँ, अभय कमांड सेंटर का जो उसके तहत उद्घाटन किया गया था। पहला जयपुर के अंतर्गत किया गया था, दूसरा 18 अगस्त को कोटा के अंतर्गत किया गया था। ये अभय कमांड सेंटर है क्या, इसमें क्या होगा, जो अपनी जो पुलिस व्यवस्था है, प्रणाली है, वो अत्याधुनिक हो जाएगी और स्मार्ट तरीके से वो अपराधों के खिलाफ पेश आएंगे, और उससे जो नियंत्रण है वो स्मार्ट हो जाएगा, यानी कैमरे से इस प्रकार का जो अपनी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो उपयोग में लेकर अपराध पर नियंत्रण करने का ये इसके लिए ये इसका खोला गया है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। इसके अंतर्गत एक अभय योजना स्टार्ट की गई है, अभय नाम से। ये महिला सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी हैं वो इसके लिए अपराध पर नियंत्रण रखेगी, और कोटा से इसकी शुरुआत की गई है। तो आप इतना याद रखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभय कमांड सेंटर कहाँ कहाँ पर है, जयपुर और कोटा में, और आने वाले दिनों में प्रत्येक संभाग स्तर है वहाँ पर अभय कमांड सेंटर खोलने की योजना आगे है। उसके बाद में माडा योजना। देखिए दोस्तों माडा योजना क्या है, माडा योजना कुछ ही नहीं है, जो अनुसूचित जाति की जनजाति वर्ग की जो छात्राएं हैं जिनके 10वीं और 12वीं में 65% से अधिक अंक हैं वो अर्जित किए हैं उन्होंने, तो उनको स्कूटी प्रदान की गई थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा कोटा अपनी प्रवास के दौरान ही। तो ये भी आप याद रखें, बस नॉर्मली माडा योजना किससे संबंधित है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा देखिए वहाँ पर ही एक कोटा से कोटा जयपुर है वो इंट्रा स्टेट हवाई सेवा वहाँ पर शुभारंभ उसका हो गया है। तो ये भी आप याद रखें 18 अगस्त को इसका किया गया था। इसका जो फायदा है वो क्या होगा, इससे क्या होगा, पर्यटन को बढ़ोतरी होगी, जो उद्यमी लोग हैं वो आ जा सकेंगे आराम से, और जो जो अपना कारोबार करना चाहते हैं कोटा में वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में ये नए आयाम स्थापित करेगा, और जो कोटा है देश भर में आपको पता है शिक्षा नगरी के रूप में उभर रहा है, और जिससे जो उनके जो बच्चों के अभिभावक हैं या फिर बच्चे खुद हैं उनका आना जाना आसान हो जाएगा। ये इसके बारे में है। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे जो रेड कलर का बटन है उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि आपके आने वाले दिनों में आपको अपडेट है वो मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राम राम सब।